हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल और भाई आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ फोर्ड की एको स्पोर्ट्स, जो कि फोर्ड की सबसे ज़्यादा सेलिंग कार है अपनी। तो भाई इसका आज मैं लेके आया हूँ ओनरशिप रिव्यू और भाई जो इसके ओनर हैं उनको भाई सबसे पहले सामने बुलाऊँगा। आ जाओ सामने, आ जाओ एक बार। तो सबसे पहले एक बात बताओ, गाड़ी आपने फोर्ड की एको स्पोर्ट्स क्यों ली? फोर्ड का जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी है। हाँ, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, अंदर बैठने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा हाँ। और ब्रेजा वगैरह अच्छी नहीं लगती इसके आगे? ब्रेजा अलग है, ब्रेजा अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। अच्छा, तो फोर्ड एक फैमिली वाली फीलिंग कहते हैं जो? बहुत अच्छी फीलिंग है बैठने में इसमें। अच्छा, कितनी चला चुके हो गाड़ी को? ये 48,300 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, और बाकी आपने गाड़ी को लिए है कितने साल हो गए? इसको गाड़ी को लिए हो गए 6 साल 4 महीने। अच्छा, 2014 मॉडल है ये? 2014 मॉडल है। अच्छा हाँ। तो बाकी अभी गाड़ी चलने में कैसी है? चलने में बहुत मस्त है, मैं इतनी अच्छी फीलिंग करता हूँ इसको चलाते समय, मेरे को इसके सामने कोई गाड़ी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा हाँ। तो भाई ये अपनी सब 4 मीटर SUV है, देन मैं आपको इसके फीचर बता देता हूँ। तो भाई इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं हैलोजन लाइट्स वगैरह, देन अपनी जो पार्किंग लाइट आती है, नीचे आपके फॉग लैंप का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। देन गाड़ी के सामने फोर्ड की बैजिंग मिल जाती है, फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है आपको, फ्रंट में ग्रिल जो है वो क्रोम की है, तो थोड़ी मेंटेन जो गाड़ी वो अच्छी कर रखी है। आप पेंट वगैरह, आप रीपेंट हुई है कहीं गाड़ी? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो गाड़ी रीपेंट नहीं हुई है भाई। तो देन हम चलते हैं इसके साइड प्रोफाइलिंग में। तो भाई हम चलते हैं सीधा एलॉय व्हील पर। गाड़ी के अंदर कंपनी फिट एलॉय व्हील लगे हुए हैं। जो साइज़ है टायर साइज़ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 205x60 R16 इंच के इसके अंदर एलॉय व्हील है गाड़ी के अंदर, और बीच में आपको फोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, देन सिल्वर कलर के एलॉय व्हील हैं भाई। ORVMs पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ऑटो फोल्डेबल ORVMs हैं। बाकी यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है गाड़ी के अंदर। देन हम चलेंगे रियर के अंदर, तो रियर में आपको एक डिफॉगर देन वाइपर मिल जाएगा, देन पीछे एक टायर आपको स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे यहीं पर मिल जाता है जिसके गेट पे, जिसके ऊपर इको स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग हो रखी है, टाइटेनियम की ब्रांडिंग हो रखी है, साइड में नीचे TDCI करके एक ब्रांडिंग हो रखी है। यहाँ पे आपको रियर में भी बूट के अंदर कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, देन यहाँ पे आपको फोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इको स्पोर्ट्स की नीचे ब्रांडिंग मिल जाएगी। रियर बम्पर पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, देन यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर्स हो गए, ये आपका फ्यूल डीजल है ना ये? हाँ, डीजल गाड़ी है, टॉप मॉडल है ये, ठीक है। तो भाई ऊपर में आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, तो ये सब कुछ कंपनी फिट है। हाई माउंटेन टेल लैम्प मिल जाती है नीचे भाई, ये तो क्या कहते हैं दिल्ली में बैन हो रखी है ना ये सब चीज़ें, तो ये क्यों लगा रखे आपने फिर? ये इसमें एक्सीडेंट के चांस, जैसे कोई टक्कर मार देगा तो इसमें गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा इसलिए आपने लगवा रखा है ये, तो कंपनी से लगवाया था ये? कभी गाड़ी कम आती थी पहले मेरे को चलाने के लिए, तो ये रोज ठुक दी। अच्छा, तो इसलिए आपने मैंने ये बम्पर लगवा रखा है। अच्छा, तो इसमें भी इको स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग हो रखी है, तो यहाँ पे आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। देन अब चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई कीलेस एंट्री है, तो जो आपकी गाड़ी की है फिजिकल की, गाड़ी की फिजिकल की आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, इसके ऊपर फोर्ड की ब्रांडिंग भी हो रखी है। ये कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर। तो भाई अनलॉक पे कोई बीप नहीं करती है गाड़ी। तो देन आपका यहाँ पे रेडियो रखा हुआ है, देन ये चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाते हैं, विंडो लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, और आपके जो मिरर्स हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आपका गियर नॉग मिल जाता है, यहाँ पे ट्विटर मिल जाते हैं, देन आप यहाँ पे आपके स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो सीट अपॉलिस्ट्री भाई इसकी कंपनी फिट है, सब कुछ कंपनी फिट है कभी गाड़ी के अंदर? कंपनी फिट है सब। अच्छा, तो भाई अब चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर आप मैं यहाँ पे जूम मारूंगा, तो यहाँ पे लिखा रहा है 48,307 किलोमीटर। देन गाइज आपको गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपका छोटी सी एक MID दे रखी है, मतलब यहाँ पे भी MID दे रखी है, यहाँ पे आपकी डिस्प्ले दे रखी है। इसके अंदर जो गाड़ी के अंदर आता है वो CD प्लेयर मिल जाता है आपको, CD रेडियो ऑक्स फोन मेन्यू, देन यहाँ से आपके फ़ोन नंबर वगैरह। ये गाड़ी का लॉक, यहाँ से गाड़ी पूरी लॉक हो जाती है, देन यहाँ से आपका जो लाइटिंग आ रही थी ये पूरी बंद हो चुकी है। देन हम अनलॉक करेंगे गाड़ी को, तो भाई यहाँ से अपना लॉक और अनलॉक यहीं से कर सकते हो आप गाड़ी को। देन यहाँ से आपके हजार्ड लाइट ऑन हो जाती हैं, चारों इंडिकेटर चलने लग जाते हैं। देन आपको यहाँ पे अपने AC के मैनुअली मिल जाते हैं सब कुछ, यहाँ पे आपको मैक्स वगैरह, देन आपको देन भाई यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस साइड आपको नहीं मिलते हैं, देन इस साइड मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल गाड़ी आती है ये, देन रिवर्स गाड़ी, तो भाई पूरी मैनुअल है अपनी। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट की जगह आपको यहाँ पे ये मिल जाता है, आर्मरेस्ट बड़ा वाला नहीं आता है, सिर्फ ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट है। देन ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, देन ये आपका पीछे एक बोतल
अच्छी खासी स्पेसिंग मिल जाती है, बोटल होल्डर भी मिल जाते हैं, ग्लव बॉक्स में भी ठीक ठाक स्पेसिंग आपको मिल जाती है, जो कि बीच में आपका दो पार्ट्स में हो जाती है। देन आपका यहाँ पे भी स्पीकर है, देन एक ट्विटर है, आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, देन ऊपर में यहाँ पे आप लाइट लाइट वगैरह भी अपनी जला सकते हैं। देन ये आपका भाई सनग्लास होल्डर मिल जाता है, देन यहाँ पर एक कैबिन लाइट मिल जाती है, तो अपना तीन लाइट मिल जाती है यहाँ पे आपको। देन यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह रख सकते हैं। एयरबैग की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। वन टच करेंगे तो भाई गाड़ी हो गई स्टार्ट, डीजल के अंदर है, बाकी यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है कनेक्ट टू आईफोन। तो गाइस आप कैबिन नॉइज़ सुन सकते हैं गाड़ी की, तो कैबिन नॉइज़ इतनी नहीं है गाड़ी के अंदर, बहुत मस्त है। देन यहाँ पे आपका ऑटो डिम वाला सिस्टम नहीं है, जो आपका मैनुअल ही है। देन हम रियर में चलते हैं गाड़ी के, तो रियर में भी आपको यहाँ पे अपने स्पीकर्स मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत स्पेसिंग मिल जाती है यहाँ पे भी। देन तो भाई रियर में भी अच्छी खासी आपको स्पेसिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको कोई मिलता नहीं, यहाँ पे आपको एयर बैग की बैजिंग मिल जाती है। देन इस साइड भी, देन आपका पीछे में एक ये लाइट हो गई, कैबिन लाइट पीछे में यहाँ पे आपको मिल जाती है। देन हम इसके चलते हैं सीधा बूट में, अच्छी खासी स्पेसिंग मिल जाती है आपको गाड़ी के अंदर। तो अगर हम इसका बूट ओपन करते हैं एक बार, तो भाई वन टच बूट ओपन कीलेस एंट्री के साथ आता है अपना, तो बूट में भी अच्छी खासी आपको स्पेसिंग मिल जाती है। तो भाई ये ऐसा कुछ सिस्टम मिलता है आपको, जो पार्सल ट्रे होती है इसकी, और आप अपने हिसाब से लगा भी सकते हो, देन अपने हाथ से निकाल भी सकते हो। तो भाई ये मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगा इसका, और गाड़ियों में क्या पार्सल ट्रे पूरी हटानी पड़ती है, देन इसके अंदर पार्सल ट्रे आपको पूरी नहीं हटानी, यहाँ से अपना खींचो देन पूरा पीछे हो जाती है। देन यहाँ पे आपको अपना हाइड्रोलिक वाला सिस्टम मिल जाता है पूरा गाड़ी के अंदर। देन हम चलते हैं सीधा, तो मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ, जिस हिसाब से गाड़ी को छः साल चार महीने हो चुके हैं। तो हम गाड़ी का आगे से खोलते हैं बोनट। तो भाई ये जो गाड़ी का इंजन है, ये आपका है 1.5 लीटर इंजन, में डिस्प्ले पे अगर सीसी की बात करोगे तो 1498 सीसी का मिलता है। और गाइस मैनुअली है ये, 5 गियर्स BS6 इंजन के अंदर, अभी ये आती है फिलहाल में, बाकी अभी BS6 इंजन ये है नहीं, तो ये तो अपना BS4 या BS3 जो इंजन उस टाइम आता था, तो उस टाइम का पुराना इंजन है। बाकी अगर गाड़ी के आप ये इस इंजन के टॉक वगैरह की बात करोगे, तो भाई पी 98 BHP पे आपको ये 3750 RPM की पावर उठाती है। देन टॉक की बात करोगे तो भाई ये आपको 215 न्यूटन मीटर टॉक पे 1750 RPM की भाई पावर देती है गाड़ी। गाड़ी की आप लेंथ की बात करोगे तो भाई आपको 3998 mm की लेंथ मिल जाती है। वाइड की बात करोगे तो आपको 1765 mm की मिल जाती है। हाइट की बात करोगे तो भाई आपको 1647 mm की हाइट मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा प्यारा है गाड़ी का, जो कि 200 mm का मिलता है। व्हील बेस की बात करोगे तो आपको 2519 mm का मिल जाता है। गाड़ी कर्व वेट की बात करोगे तो भाई 1302 कर्व वेट गाड़ी का है। बूट स्पेस जो कि है वन टच में, तो भाई इसको हम खोलते हैं फिलहाल में। तो गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस आता है वो आता है 352 लीटर का बूट स्पेस। देन टर्निंग रेडियस की बात करोगे तो भाई वो आपको मिलता है 5.3 mm का। बाकी फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं जो कि होने वाले हैं आपके, एयर कंडीशन, क्लाइमेट कंट्रोल, पावर स्टीयरिंग, CD प्लेयर, पावर विंडो, सेंटर लॉकिंग, स्टीयरिंग रेक रीज दोनों हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग सीट हो जाती है, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, देन रिमोट कंट्रोल बूथ मिल जाता है, रियर में वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाते हैं, लेदर सीट आती नहीं है, इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल मिरर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर से भी आपको बता ही चुका हूँ भाई, और नहीं पता है तो और बता जाता हूँ। ABS, एयरबैग, पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आपको फीचर्स मिल जाते हैं इसका पार्किंग फिर सेफ्टी फीचर्स में। 52 लीटर का इसका फ्यूल कैपेसिटी आती है। सीट आपको 5 जने इस गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। भाई गाइस गाड़ी का आपको और क्या अच्छा लगा है क्या, तो भाई ये अपना आज का ओनरशिप रिव्यू है गाड़ी का। तो भाई ऑनरशिप रिव्यू आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो भाई कमेंट करके बता देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सस्ता सा कमेंट कर देना भाई, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलती है, और किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।